बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया। किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता। नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया। देखिए, आज विनोद तावड़े जी हमारे प्रभारी, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति जी, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। और देखिए, वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके पास ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता खत्म हो गई। वो 44 सीट जीते, और जब वो तब जीते जब नरेंद्र मोदी आकर उनके पक्ष में भाषण किया, नहीं तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। तो इसलिए अब कोई अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया। वो चाहे RJD हो या कोई और हो, कहीं पर भी अब उनकी वोट दिलाने की जो क्षमता होती है, वो क्षमता समाप्त हो गई है। तो इसलिए, और बीजेपी को तो अच्छा होगी, हम लोग तो खुश हैं कि छोड़ के चले गए। तो बीजेपी को अपनी ताकत पर 2025 में और सरकार बनाने का मौका मिलेगा, और 2024 में भी प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे, तो अपने पाँव पर खड़े होने का बीजेपी को मौका मिला है। इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नीतीश कुमार या जनता दल के साथ इस जिंदगी में अब कोई समझौता होगा। सर, उपेंद्र कुशवाहा आपकी पार्टी में आना चाहेंगे? मेरी जानकारी नहीं चलेंगे अगर वो भाजपा में आना नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे स्तर का विषय नहीं है। सर, BBC डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है प्रधानमंत्री मोदी पे, सरकार उसको नहीं करना चाहिए, जब BBC से पहले भी कई लीडरों पे डॉक्यूमेंट्री बनाती है? अरे देखिए, ये तो भारत की छवि को जानबूझ करके खराब करने का इनका एक षड्यंत्र है। जब सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया, SIT बनी जिसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, जितने भी आयोग बने, सभी आयोगों ने जब इस बात को स्पष्ट कर दिया कि गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी की दूर दूर तक कोई भूमिका नहीं थी, उसके बावजूद इस प्रकार से भारत की छवि को खराब करना इतने वर्षों के बाद। BBC के हाथ में जो डॉक्यूमेंट्री लगी है 2002 में, इंटरनेशनल कोई, अरे भाई कोई डॉक्यूमेंट है तो आज तक कहाँ था वो डॉक्यूमेंट? और उससे बड़ा कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो SIT बनी और जिसने वर्षों तक जांच किया, और वो अपनी रिपोर्ट दे रहा है, तो उस रिपोर्ट के बाद कुछ बचा क्या?